गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो यहाँ सुबह सबसे पहले अपने लिए चाय बनाया, मुड़ी एंड बिस्किट डुबो के खाने का आदत तो मेरा अभी तक नहीं गया गाइस। साथ में पापा ने ये छोटे छोटे पैटीज लाए जो खाने में ना काफ़ी ज़्यादा यमी था। और यहाँ देखो हमारे घर पे ना कद्दू का पेड़ है, उसी का फूल निकला है जो हम बहुत सारा खाए, मतलब खाते खाते ना अब ऐसा हो गया कि खाने का मन ही नहीं करता। सो गाइज, अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, बाल पूरा भीगा हुआ है एंड अभी कपड़ा दे दिया सूखने के लिए। अभी हनुमान जी को पूजा दूंगी, सो फूल वगैरह तोड़ूंगी एंड आज है ट्यूजडे तो भगवान जी को अच्छे से पूजा करूंगी। तो चलो वीडियो को आप लोग देखते रहो और मैं झटपट से जाके अपना सारा काम कंप्लीट करके आती हूँ। आप लोगों से बातें करते करते ना मैं पहुंच गई मंदिर, और बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मेरे घर का मंदिर देखने को मिल रहा है। साथ में मैंने दादू ठामी को प्रणाम कर लिया। और यहाँ देखो हमारे घर में ना कितना अच्छा नीलकंठ फूल का पेड़ उगा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। मैं हमेशा सुबह इधर से दो तीन फूल मैं तोड़ती हूँ, तोड़ के ना मैं महादेव को चढ़ाती हूँ क्योंकि महादेव को तो बहुत ज़्यादा पसंद है नीलकंठ फूल, वो खुशी हो जाते हैं। और यहाँ मैं तुलसी मैया को थोड़ा सा पानी वगैरह दे के पूजा करके दो तीन तुलसी ले ली एंड यहाँ देखो अच्छे से फूल वगैरह दे रही थी मैं तुलसी मैया को। फिर सूर्य देवता को भी मैंने पूजा किया एंड यहाँ देखो हमारे रूम के मंदिर में आ गई। और यहाँ हनुमान जी को मैं नहला रही हूँ, आजकल ना मैं हनुमान जी को नहलाती हूँ एंड ये देखो तील चावल गंगा जल इन सब से मैंने उनको नहलाया, अच्छे से कपड़ा भी पहना दिया एंड माला भी दिया, फूल भी चढ़ाया। मैं महादेव को भी उनका फेवरेट कलर का फूल भी चढ़ा दिया, वो बहुत खुश हो गए। अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन, मेरा पूजा वगैरह देना सब कंप्लीट। अभी भूख लगी है सो कुछ खाने के लिए बनाऊंगी तो झटपट से बना लेती हूँ। एंड झटपट से तो बनाने के लिए बस 2 मिनट वाला मैगी है, वही बनाऊंगी। सो चलो जल्द से बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है गाइस। मैगी खा के मेरा पेट तो शांत हो गया एकदम से। फिर बाहर से बहुत सारा कपड़ा सूखने को दिया था, वो सब लेके आ गई, साथ में इन सब को मैं समेट रही थी। और यहाँ मम्मी आज लंच में ना बांदा गोभी बना रही थी, साथ में बनाया मटन। सो माछर माथा दिए बांदा गोभी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, हम बंगालीज लोग ये बहुत खाते हैं। आप लोग भी ना कभी ऐसा ट्राई करना गाइस, बहुत टेस्टी लगता है। अगर रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे बता देना ज़रूर। फ्रिज पे ना एक क्यूकम्बर पड़ा हुआ था, वही काट रही थी एंड ये देखो मेरा नाइफ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है एंड साथ में मेरा लंच भी रेडी है। सो या बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में।